अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, और मैं भी ठीक हूँ। और 5-6 दिन बाद मैंने कैमरा उठाया है व्लॉग करने के लिए। मैं रेस्ट पे थी, मैं कोई व्लॉग नहीं करी थी। मुझे नहीं पता ये व्लॉग भी जाएगा या नहीं जाएगा, पता नहीं मैं डिलीट कर दूँगी, पता नहीं आगे कंटिन्यू रखूँगी। तो अभी जस्ट मैंने मम्मा से ऑयल लगवाया, मसाज करवाई है, थोड़ा फ्रेश फील कर रही हूँ, बेहतर फील कर रही हूँ। तो क्या हुआ, क्या मैंने क्यों इतने दिन ब्रेक लिया यूट्यूब से, और पता नहीं और कितने दिन ब्रेक लूँगी। इंस्टा पे मैंने स्टोरी लगाई थी कि मैं कुछ दिन का ब्रेक चाहती हूँ, और अब मेरे पाँव में भी चोट लग गई थी एक, तो उसकी वजह से भी फिज़िकली मैं ठीक नहीं थी, और तबीयत सेट नहीं थी मेरी, और मेंटली भी जो है ना मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट थी। मुझे नहीं पता क्यों, मेरा काम भी अच्छा चल रहा है और चीज़ मैं अपनी तरफ से बेस्ट जो है वो कर रही हूँ, लेकिन समटाइम्स क्या होता है, हर बंदे की लाइफ में कभी ना कभी आपको ब्रेक चाहिए होता है, कभी ना कभी आप थोड़ा सा रेस्ट चाहते हो। तो शायद मुझे भी ब्रेक चाहिए, रेस्ट चाहिए, या पता नहीं क्या, मतलब दिल नहीं करता। सोचती हूँ नज़र तो नहीं लगी मेरे चैनल को या मुझे, मेरे काम को, लेकिन फिर सोचती हूँ नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होता, शायद मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। और थक जाता है ना बंदा कभी कभी, कुछ करने का दिल नहीं करता, लेकिन लिटरली मेरी फैमिली इतनी सपोर्टिंग है, इतनी अच्छी है, स्पेशली मेरे इन लॉज, मेरे हस्बैंड, मेरे पेरेंट्स के कहते हैं कि तुम एक्टिव रहा करो, काम क्या करो और अपने माइंड को फ्रेश रखा करो, लेकिन बंदा ना कभी कभी थक जाता है और कुछ समझ नहीं आती उसे। तो खैर ऐसी इतने दिन बाद आज मैंने ये कुछ बातें की हैं कैमरे पे आके। मैंने 5-6 दिन से कोई बातें नहीं की, कोई कैमरा उठाया ही नहीं है। तो कोशिश करूँगी कि दोबारा एक्टिव हूँ, जल्दी व्लॉग पोस्ट करूँ। जी अभी अजान हुई है और फिर मैं कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा बहुत व्लॉग करती ही रहूँ। काफ़ी अंधेरा हो रहा है मेरे रूम में, लाइट का इशू है। जब मैं यहाँ रहती थी तो और तरफ लाइटें थी, अभी थोड़ा लाइट का इशू हुआ है तो लाइट भी नहीं है इस वक्त। तो ठीक है, फिर मिलते रहेंगे थोड़े बहुत व्लॉग में। बाय बाय। तो ये फिर काफ़ी दिन बाद का व्लॉग है, मतलब 4-5 दिन बाद। आज मेरा दिल कर रहा था ये नूडल्स बना के खाने को, ये मुझे आए थे, गिफ्ट आए थे बर्थडे मेरा, तो मैंने इसका ब्लैक और रेड वाला फ्लेवर तो खाया हुआ है, बहुत ज़्यादा उसमें जो है ना वो स्पाइस होता है, तो मैंने सुना है इसमें इतना जो है ना वो मिर्ची नहीं होती और आप खा सकते हो अगर आप जो है वो नॉर्मली इतना ज़्यादा जो है वो मिर्ची को बर्दाश्त कर सकते हो, मतलब स्पाइसेस हैं इसमें भी लेकिन उस हिसाब से कि आप इसको जो है वो टॉलरेट कर सकते हो। जो लोग बिल्कुल फीका खाते हैं या फिर जिनको थोड़ा बहुत भी स्पाइसी नहीं पसंद है तो वो लोग भी ये नहीं खा सकते। तो बस मैं यहाँ इसको बना रही थी, पहले मैंने थोड़ा सा पानी बॉयल होने के रख दिया, फिर उसमें मैंने ये नूडल्स डाल दिए। इस पैकेट में मुझे कम लग रहे, जो मैंने पहले मंगवाया था ना मुझे लग रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा थे। इसमें इसके साथ ये एक पैकेट में आया था मसाला, और ये मुझे चिकन नूडल्स वाला जो होता है ना मैगी वाला नॉकनोर वाला उसके जैसा ही लग रहा था। तो पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। पहले मैंने सोचा था इसकी हाफ़, जो इसके साथ सॉस आती है ना वो ज़्यादा स्पाइसी होती है तो मैं हाफ़ डालूँगी, लेकिन फिर ना वो उसका कलर ही नहीं आ रहा था वैसा, तो मैंने फिर क्या किया कि जितनी भी वो सॉस थी ना वो सारी ही मिक्स कर दी। ये इसके साथ आई थी, मैं आपको दिखाती हूँ ये वाली, ठीक है। तो और ये नूडल्स अगर आपको बाय करने हो तो दराज से भी मिल जाएंगे, बाकी इम्तियाज़ और किसी स्टोर वगैरह से मिल जाएंगे। तो फिर मैंने सारी इसमें डाल दी, इसके साथ मैंने लिया था स्लाइस और उसमें मैंने आइस क्यूब डाली। तो नाउ इट्स टाइम फॉर रिव्यू, तो रिव्यू आपके सामने। अच्छा जी, नूडल्स मैं यहाँ पर ले आई हूँ, तो हम ट्राई करते हैं कैसे। तो मज़ेदार, जो इसके रेड वाले रेमन है ना वो बहुत स्पाइसी हैं, ये ठीक है, इतने स्पाइसी नहीं है। लाइक जो थोड़ा बहुत नॉर्मल स्पाइसी खाना पसंद करते हैं उन्हें अच्छे लगेंगे। मेरी शक्ल तो नहीं नज़र आ रही, तो ये मज़ेदार है और मेरी तरफ से रिकमेंडेड भी है, बहुत अच्छा है। सो अगर आप लोग ये वाला फ्लेवर ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर ट्राई करिएगा, मज़ेदार है, मैं इन्जॉय करती हूँ। साथ ठंडा ठंडा जूस पीता है, मज़ेदार।
हाय एवरीवन, सो आई डोंट नो व्लॉग कहाँ चल रहा है, कहाँ एंड हो रहा है, बिल्कुल आइडिया नहीं है मुझे। और बैक टू ससुराल वापस आ गई हूँ मैं, और नाउ बैक टू वर्क और बैक टू रूटीन। और व्लॉग मुझे नहीं पता कब जाएगा, अभी मेरा थोड़ा यूट्यूब से ब्रेक ही चल रहा है। सो मैं व्लॉग बना तो रही हूँ, और जब जिस दिन मेरा दिल करेगा ना, बस ब्रेक ख़त्म, उस दिन मैं फिर व्लॉग डालना स्टार्ट कर दूँगी। तो अभी मैं रेडी होती हूँ, एक वीडियो फिल्म करनी है, वो वीडियो फिल्म करते हैं और बाकी के अपने काम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। मैं यहाँ पे ये वाला नेल कलर यूज़ कर रही हूँ, ये है ओरिफ्लेम का 1 कलर नेल पॉलिश। सो लेट्स ट्राई और देखते हैं। अच्छा जी, वीडियो बना ली है और टाइम यहाँ पे हो रहा है 6:30, और हम लोग कोई 4 बजे से वीडियो बनाने लगे थे और मैं थक गई हूँ। अब चेंज करते हैं, और ये मेकअप था, लाइट थोड़ी डिम है तो इसलिए शायद थोड़ा नज़र नहीं आ रहा हो। तो बाकी इंस्टाग्राम पे देख लीजिएगा, और नहीं फॉलो करते तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। बाय बाय टाटा, सामान उठाए। मुन्ना खेलने आए, ये मुन्ना खेलने आए, आपकी शॉर्ट खेलने आए, ये गुड्डा हमारे साथ खेलने के लिए आए। क्या पोइम सुनाए आपको, पोइम सुनाए आपको, खेलने के लिए आया है मुन्ना। कभी रिमूव नहीं किया मैंने अभी तक। ओ हो, क्या हो गया, ये छोटे से मुन्ना पौड़े से बीबी खेलने के लिए आया है। ओए, बातें भी करता हूँ, पोइम भी सुनता। हेलो जी, अनदर डे और उसी व्लॉग में वेलकम। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा था, यूट्यूब छोड़ दिए, यूट्यूब से भाग गई हैं, क्या किया है, कहाँ हैं आप? तो चले जाओ बाइक वाले, जाओ भाई। तो जितनी भी बाइकें ख़राब होनी होती, नहीं हमारे गेट के सामने आके ही बाइक ख़राब होनी होती। खैर मैंने यूट्यूब नहीं छोड़ी है, मैं यूट्यूब पे ब्रेक पे थी, 1 वीक का मैंने ब्रेक लिया था, तबीयत सेट नहीं थी और बस दिल भी नहीं कर रहा था। बस कभी कभी आप काम कर करके थक जाते हो, तो इसीलिए मैं भी थक गई थी, तो मैं ब्रेक पे थी और मैंने यूट्यूब नहीं छोड़ी। ना ही मेरा कोई इरादा है कभी भी यूट्यूब छोड़ने का, बड़ी मेहनत से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो मैं क्यों छोड़ूंगी। और दूसरी बात ये कि जब मैं एक्टिव नहीं थी तो मैंने फिर जहाँ जहाँ सेल लगी इतनी शॉपिंगें कर ली कि मैंने बोला वापस यूट्यूब पे ही चलते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे दिमाग लगा रहता था। अब सारे दिन फारिक होती थी तो कुछ ना कुछ ऑर्डर करती रहती थी, तो काफ़ी चीज़ें ऑर्डर की हैं, कुछ आ गई हैं कुछ नहीं आई, तो मैं आपको मज़े वाली चीज़ें भी दिखाती हूँ, मेकअप प्रोडक्ट। अच्छा, कुछ चीज़ें ये हैं जो मैंने ऑर्डर की हैं, इसमें जो है ना वो फ्लैट मेरे हील्स हैं, तो ये बंद है, ये मैंने सही से खोल के चेक भी नहीं किया, तो अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं वीडियो बना के दिखा दूँगी। ये 2 ड्रेसेस मैंने ऑर्डर किए थे, ये अनस्टिच है लेकिन ये बहुत ही प्यारे हैं। ठीक है, अभी और भी बहुत सी चीज़ें ऑर्डर की हैं, तो इसके ऊपर ना एक अलग शॉपिंग हॉल वीडियो बनाऊँगी जब तक सब चीज़ें आ जाएँ, तो मैं आपको इनका बता रही थी। तो ये है मेरा पुराना बॉब का मस्कारा और ये मेरा न्यू बॉब का मस्कारा है जो मैंने दराज से ऑर्डर किया था। तो क्या हुआ कि मार्केट से जब मैंने बॉब के मस्कारा पहले लेती थी तो मुझे 250 का मिलता था, फिर 300 का भी मैंने मार्केट प्राइस चेक की तो मुझे 550 का मिल रहा था। दराज पे जो है ना ये ऑफ में लगा हुआ था, और इससे बेस्ट मस्कारा मैं कहती हूँ पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है, मेरा मोस्ट फेवरेट मस्कारा है। और प्राइस भी इसकी बहुत रीजनेबल है, दराज से इजीली आपको 300 या 350 का मिल जाएगा। मैं लिंक लगा दूंगी दराज का, तो अगर आप लोगों ने बाय करना हो ना तो आप लोग ये मस्कारा बाय कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन मस्कारा है, मतलब आप सब मस्कारा को भूल जाएंगे, इतना अच्छा है। तो ये ऑर्डर किया था, उसके अलावा ये तो मैं मार्केट से लेके आई थी, 2 लाई थी मैं, और ये बहुत अच्छा है, तो मेरी कज़न को पसंद आया, वो ले गई, फिर मैं मार्केट तो जा नहीं सकी, फिर मैंने दराज से ऑनलाइन मंगवाया। ये टीवी पाउडर का है और ये इतना अच्छा फेस पाउडर है कि अगर आपने ब्राइडल भी बेस बनाई है ना उसके ऊपर भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से है। ये मेरा नंबर है इसमें 06, अगर आपको ऑर्डर करना हो तो आप ये भी दराज से मंगवा सकते हैं, 100% ओरिजिनल मिलेगा और इसके रिजल्ट्स देख के आप लोग हैरान हो जाएंगे। अच्छा जी, तो ये मैट फॉर्म में है, यहाँ पे इसके एक मिरर लगा हुआ है, ये इसका कलर है, ये इसका स्पंज है, बहुत अच्छा है यार, बहुत हाईली रिकमेंडेड है, ये इसका कलर देख लें। और ये जब स्किन टोन पे लगता है ना या बेस वगैरह बनाते हैं तो बहुत अच्छा है। इन दोनों का लिंक मैं लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन में, अगर बाय करना हो तो बाय कर लीजिए, अगर दराज से आपको रीजनेबल प्राइस में मिल जाएंगे। जी दैट्स इट फॉर द व्लॉग, व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, तो आप लोग बताइएगा कि मैं अपने बाल इतने कट कर लूँ, करवा लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे से ख़राब हो रहे हैं, आप चेक करें। और
मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा दिल चाह रहा है कि शॉर्ट हेयर कट में चली जाऊँ। खैर अभी तो मैंने ऐसे ही बालों को पिन किया है, तो आप लोग बताइएगा कि शॉर्ट हेयर स्टाइल मुझ पर कैसा लग रहा है, या फिर ये ही सही है, इनको बस हल्का हल्का ट्रिम कर लूँ। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, ताकि शायद हेयर लुक चेंज करके मेरे अंदर कोई अच्छी फीलिंग्स आ जाए, मैं से आ नहीं रही आजकल ना, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ब्लॉग को एंड करते हैं, फिर कल से इंशाल्लाह ताला नए दिन के साथ एक अच्छा सा ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।